सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा, हे सूत, फिर गड़बड़ हो गई। अच्छा महाराज, कलयुग आ रहा है, कल्याण कैसे होगा? भक्ति ज्ञान विराग की प्राप्ति कैसे होगी? आज तक कोई सोचता है भक्ति कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिले, व्यापार कैसे चले? मरने वाले दिन भी लोग सोचते हैं महाराज, 10, 15, 20, 30 अभी तक इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं आया, कब आएगा? कुछ लोग तो कहते हैं क्या करें महाराज, मरने का समय नहीं। अच्छा, कहते हैं महाराज, इस क्लेश से आक्रांत जीवों का कल्याण कैसे होगा? कृष्ण प्राप्त करी कृष्ण प्राप्त करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। भगवान के प्राप्ति का सस्वत साधन क्या है? देखिए, भगवान की प्राप्ति तीन प्रकार से होती है, ध्यान में, स्वप्न में और साक्षात। ध्यान में भी कभी कभी दर्शन हो जाता है, सपने में भी भगवान का दर्शन हो जाता है, और कभी आपके सामने भगवान आते हैं और फिर भगवान चले जाते हैं। यह सस्वत प्राप्ति नहीं है। तो सस्वत प्राप्ति है क्या? भगवान की वास्तविक प्राप्ति क्या है? भगवान सदा सर्वदा हमारे साथ कैसे रहेंगे? भगवान का सर्वदा अनुभव कैसे होगा? इसके विषय में बताइए। एक क्षण भी भगवान से मैं दूर न रह सकूं और भगवान हमसे दूर न रह सके, इसी को कहते हैं सस्वत प्राप्ति। किससे पूछ रहे हैं? कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो। आप गुरुदेव हैं, चिंतामणि का चमत्कार, जिन वस्तु का चिंतन करो वो दे दे, कल्प की ये विशेषता, जिस वस्तु की कल्पना करी वो मिल जाए। लेकिन महाराज, चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये शक्ति नहीं है जो भगवान को प्रकट कर सके। गुरुदेव से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरे दाता, जय जय, मुझको ऐसा गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा
गुरुदेव मेरे दादा, मुझको ऐसा बन दो। प्रश्न पूछने पर श्री शुक जी महाराज कहते हैं कि काल रूपी सर्प से बचने के लिए कलयुग में भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ है। काल रूपी जो कलयुग है और काल रूपी सर्प, अगर बचना चाहते हो तो भागवत की कथा सुनो। लेकिन एक समस्या है, क्या का जिस समय महाराज परीक्षित कथा सुनने के लिए तैयार हुए तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आ गए। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि कथा में बिना कुछ लिए जाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं तो तुलसी दल ही लेकर आ जाए। दूसरा कारण यह था कि हम आए हैं तो बदला करेंगे। क्या बोले राजा परीक्षित को अमृत पिलवाएंगे और अपने कथा पी। परीक्षित से कहा अमृत पी लो। परीक्षित ने कहा समय बीत गया, अब आप गुरुदेव से पूछिए, क्योंकि मैं अब गुरुदेव के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका। अच्छा ठीक है, महाराज परीक्षित ने पूछा कि क्या बात है। सुखदेव जी ने पूछा क्यों आए हो। बोले महाराज हम थोड़ा विनिमय करने आए हैं, व्यापार करने। क्या व्यापार है? बोले बदले में अमृत और उसके बदले में कथा।
ये मरने के भय से कथा सुन रहे हैं, तो इनको अमृत पिलाकर अमर कर दो, हमको कथा सुना। सुखदेव जी बोले, देवता तुम लोग बड़े चतुर हो, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भगवान की कथा। इसलिए एक बात कहूं, तुम लोग इसके अधिकारी नहीं हो। परीक्षित एक बात बता बेटा, कथा अमृत पियोगे कि भगवान का ये जो स्वर्ग का अमृत है ये पियोगे। बोले नहीं महाराज, दोनों में अंतर बता दो। बोले कथा का अमृत पियोगे तो दिव्य जीवी हो जाओगे, और स्वर्ग का अमृत पियोगे तो दीर्घ जीवी हो जाओगे। देवताओं को तिरस्कृत करके सुखदेव जी ने भगा दिया। इसलिए हे मुनियों, ये भगवान की कथा का अमृत बड़ा अनुपम है, और स्वयं महाराज ब्रह्मा जब परीक्षित का मोक्ष देखे तो विस्मित हो गए। और यही कथा नारद जी ने सनकादि कुमारों से सुनी बद्रिकाश्रम में, जिसकी चर्चा